नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हिमाचल में प्रदेश सरकार पर कांग्रेस के द्वारा कसे जा रहे तंज पर हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया करारा जवाब। समीरपुर में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को डबल इंजन का विकास नजर नहीं आता। देश में राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में जनता अलग अलग मतदान करती है, कहा केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बीओजी की 23वीं बैठक हुई बीसी एचपीटीयू प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में। एकेडमिक काउंसिल की बैठक के लिए कई निर्णयों पर लगाई गई मोहर। पंजीकृत पूर्व सैनिकों के लिए आउटसोर्स आधार पर विभिन्न विभागों की भर्ती 15 फरवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के हमीरपुर स्थित मुख्यालय में की जाएगी, कहा प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने। पिछले वर्ष 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इस बार का वैलेंटाइन डे रहा फीका। हमीरपुर बाजार में नहीं दिखी वैलेंटाइन डे की रौनक। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रियाएं।